आई हॉर्डेड द बेस्ट ऑफ लिपस्टिक्स इन टर्म ओ ग्रेट अच्छी लग रही होगी ना नहीं जब लगाए तो बहुत ही चम्पू एंड यू you नो know, फ्लेकी सी लग रही है मेरे लिप्स की लाइन्स दिख रही हैं इट्स नॉट गुड ओ तो फिर क्या करना पड़ेगा ऑब्वियसली ऑर्डर आनदर वन दूसरी ऑर्डर करेंगे बेकार लिपस्टिक है लिपस्टिक बेकार नहीं है आपके लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैक्ड एंड चार्प्ड हैं तो लिपस्टिक नहीं ऑर्डर नहीं करनी है आप लोगों को अपने लिप्स को अपने घर पर बहुत ही आसानी से फिक्स करना है लेट्स चेक आउट हाउ हेलो ब्यूटीफुल पीपल मुझे अपनी हर वीडियो पर मिल रहा है थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू फॉर प्रीति प्रेरणा के चैनल को हर दिन नई बुलंदियों पर लेकर जा रहा है एंड आई कैन नॉट थैंक यू इनफ तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस कर रही हूँ जिससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज फ्रीक्वेंटली मेरे चैनल पर आजकल आ रही है दैट इज योर क्रैक्ड एंड chapped लिप्स अगर आपके होट फटे रहते हैं अगर आपके होट फ्लेकी हो चुके हैं अगर आपके होटो पे डिसकलरेशन आ चुका है अलग अलग यू you नो know, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट अगर आपके लिप्स बहुत डार्क हो चुके हैं अगर वो बहुत सूखे रहते हैं तो आज मैं आप सभी के लिए इन सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक रेमिडी लेकर आई हूं जो कि आपके लिप्स को कंप्लीटली सॉफ्ट सपेल एंड पिंक कर देगा तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा आज के वीडियो में मैं ना केवल आप लोगों के साथ इन सभी प्रॉब्लम्स के रीजन बल्कि इनकी रेमेडीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्फ एक्सपीरियंस टिप्स शेयर करने वाली हूं जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो थ्रू आउट द ईयर चाहे कोई भी सीजन हो आपको लिप्स से रिलेटेड कोई भी इशू कभी नहीं होगा आप कोई भी अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगाइए विदाउट एनी टेंशन बिगेस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन लिप्स चैप होते क्यों हैं, क्रैक होते क्यों हैं, पिगमेंटेड क्यों होते हैं डार्कन क्यों दिखने लगते हैं देखिए हमारे जो पूरी बॉडी की जो स्किन है इट इज अप्रोक्सीमेटली सिक्सटीन लेयर्स सोलह परते होती हैं हमारी स्किन की लेकिन आईज के नीचे और लिप्स और वेरी वेरी थिन एरियाज इट इज ऑलमोस्ट सिर्फ पांच लेयर्स होती हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं अगर बॉडी में थोड़ी सी भी पानी की डेफिशिएंसी होगी तो वो स्किन पर रिफ्लेक्ट होने से पहले आपके लाइटर एरियाज में यानी कि लिप्स और अंडर द आई एरिया में रिफ्लेक्ट होती हैं। इसीलिए अगर आपको थोड़ी सी भी पानी की डेफिशिएंसी होती है यानी कि आपको डिहाइड्रेशन होती है तो आपके लिप्स आपको इमीडिएटली बता देते हैं बाय ड्राइंग अप लेकिन हम लोग क्या करते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग वॉटर वी स्टार्ट लिकिंग आर लिप्स राइट ये बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है एंड दिस इज नॉट हेल्दी जी हाँ सलाइवा यानी कि थूक आपके लिप्स को फर्दर डिहाइड्रेट करता है वो टेम्प्रेरी हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करता है नो no डाउट लेकिन ये सारे जो साइन है इट इज टू टेल यू कि आपकी बॉडी को पानी चाहिए और आप क्या करते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग वॉटर आप उसको सलाइवा लगा के चुप करा देते हैं सो प्लीज डोंट डू इट रीड योर बॉडी अंडरस्टैंड योर बॉडी अनदर रीजन कुड अनुडी अगर आप किसी भी तरह का स्क्रब यूज करते हैं सभी यूज करते हैं फेशियल स्क्रब्स तो फेशियल स्क्रब्स अब आप देखिए हमारी जो बाकी स्किन है वो सिक्सटीन लेयर्स डाउन डीप है राइट right? और हमारे लिप्स फाइव लेयर्स ओनली अब आप वही स्क्रब दोनों जगह यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली कर सकते हैं बट बी वेरी वेरी जेंटल वेरी वेरी जेंटल विद योर लिप्स हम लोग क्या करते हैं जितनी विग्रेसली हम फेस पे या नेक पे करते हैं उतना ही विग्रेसली हम लिप्स पे करते हैं विच इज नॉट हेल्दी अनदर रीजन कुड बी टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ सर्टन मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट जी हाँ आजकल जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी अमेजिंग है फॉर एग्जाम्पल द सैलिसलिक एसिड एंड द बेंजोइल पेरोक्साइड ये दोनों ही आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं गो फॉर इट नो प्रॉब्लम लेकिन ये दोनों ही केमिकल्स आपके लिप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद योर लिप्स तो लिप्स जो हैं वो थोड़े डार्किन हो जाते हैं वॉट नीड्स टू बी डन जब भी आप कोई मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो आप अपने लिप्स पर अप्लाई ना करें जस्ट फोल्डियर लिप्स इन एंड देन अप्लाई नेट्स ऑल इट्स वेरी सिंपल मैं जितने भी एप्लीकेशन करती हूं नेचुरल प्रोडक्ट्स के आई टेल यू क्लियरली टू अप्लाईट ऑल ओवर योर लिप्स एंड अंडर योर आइज एंड ओवर योर आईज एंड एवरी थिंग बिकॉज दे आर कंप्लीटली सेफ फॉर टॉपिकल यूजेज लेकिन ये जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं या तो आप इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए बट आई एम वेरी श्योर कि नॉट एवरीबडी तो इसको अपने लिप्स पे अप्लाई मत कीजिए अगर आपको लिप्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये तो हो गए रीजन अब रेमेडी क्या है अगेन मैं रेमेडी को डिवाइड कर रही हूं इनटू थ्री पार्ट्स क्या सारे एक साथ करने हैं देखिए जैसे आप कन्वीनियंट हैं मैं आपको रेमेडी यू नो दे देती हूं आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप जैसे कंफर्टेबल हैं अगर एक साथ किया जाए तो नथिंग लाइक इट अगर आप इसको ब्रेक करके स्टेप वन एट वन टाइम फिर थोड़े गैप में सेकेंड स्टेप एंड सो ऑन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो क्या रोज करना है देखिए अगर आपके लिप्स में बहुत ज्यादा इश्यू है तो आप इसको वीकली कर लीजिए वीक में दो दिन लगातार कर लीजिए एंड देन टेक ब्रेक एंड सो ऑन क्या कोई साइड इफेक्ट है जी बिल्कुल नहीं है लेकिन आई ऑलवेज टेल यू कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप पैच टेस्ट हमेशा कीजिए एंड देन प्रोसीड इज नो हार्म इन यू नो टेकिंग प्रिकॉशंस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो आप एक बार यू नो ट्राई करके देख लीजिए इफ यू फील कंफर्टेबल कंटिन्यू स्टेप नंबर वन एक्सफोलिएट लेकिन एक्सफोलिएशन जो स्किन के लिए होता है ये उतना विग्रेस नहीं होगा स्किन का एक्सफोलिएशन हम तब करते हैं जब यू you नो know, बहुत सारे डेड सेल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो ऑयली स्किन की वजह से खुद नहीं निकल पाते तो हमें एक्सफोलिएट करना पड़ता है बट लिप्स के लिए इट इज जस्ट टू ब्रिंग द ब्लड सर्कुलेशन ओवर हियर बी वेरी वेरी जेंटल आउट ऑफ ऑल द फाइव फिंगर्स आपकी ये वाली फिंगर जो रिंग फिंगर होती है वो काफी हल्की होती है तो आप इस फिंगर से काम कीजिए टू एक्सफोलिएट योर लिप्स क्योंकि इसमें ज्यादा जान नहीं होती है इट इज लाइक वेरी जेंटल और आप जेंटली सर्कुलर मोशन में नॉट मोर देन टू मिनट्स मात्र दो मिनट के लिए आपको एक्सफोलिएट करना है किस चीज से वेरी सिंपल आप लोगों को चाहिए पाउडर्ड शुगर हमारे पास नहीं है चीनी लीजिए कूट लीजिए पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगी यूज कर लीजिए वेरी सिंपल चीनी के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली आपके लिप्स को एक्सफोलिएट करते हैं आई टोल्ड यू बहुत ज्यादा जोर से प्रेस मत कीजिए जेंटल हैंड से इट्स वेरी सिंपल और क्या मिलाना है नंबर टू इंग्रेडिएंट आपको चाहिए हनी हनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलैक्सेंट है मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूं बहुत सारे लोग पूछते हैं हनी का सब्सटीट्यूट क्या है जी हनी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है हनी अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो किसी चीज से मैच नहीं करता है आप ले सकते हैं घी वगैरह ले लीजिए लेकिन जो हनी काम करता है इट इज लाइक अनबीटेबल एंड नंबर थ्री आपको चाहिए लेमन लेमन जूस जब आप इस मिक्सचर में डालेंगे आपको बनाते टाइम पता चलने वाला है कि ये कितना अमेजिंग है आपके लिप्स के लिए वंस यू मिक्स द थिंग्स टुगेदर टेक इट विद योर रिंग फिंगर एंड सर्कुलर मोशन में घड़ी देखते हुए मात्र दो मिनट के लिए अच्छे से अपने लिप्स को थ्रू आउट योर लिप्स एंड लिप लाइन कंप्लीटली एक्सफोलिएट कीजिए बहुत ही जेंटल हैंड्स के साथ दो मिनट के बाद इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर दीजिए स्टेप नंबर के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए उस मॉइस्चर को अपने <laughs> लीजिए अगर दोनों करने का एफर्ट और एनर्जी है तो दोनों कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर द फर्स्ट ऑप्शन आपको चाहिए नंबर वन बीट रूट यानी कि चुकंदर आपको चाहिए रोज पेटल्स यानी कि गुलाब की, की पंखुड़िया और आपको चाहिए टर्मरिक यानी कि हल्दी हल्दी हमें बिल्कुल चुटकी भर चाहिए हमें बहुत सारी नहीं चाहिए हल्दी का इस्तेमाल यहां पर सिर्फ और सिर्फ बीट रूट यानी कि चुकंदर और जो आपका रोज पेटल है इनकी स्टेनिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए हो रहा है हम यहाँ पर कुछ लोगों को हल्दी के टॉपिकल एप्लीकेशन से लिप्स यू you नो know, काले हो जाते हैं तो हमें बहुत सारा इस्तेमाल नहीं करना है हम सिर्फ उनकी एबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो पिंच ऑफ इट विल डू द वर्क तो बीटरूट रोज पेटल्स और टर्मरिक इनको अच्छे से कूट के एक डिब्बी में स्टोर कर लीजिए जब भी आपको अप्लाई करना है दो बूंद दूध लीजिए मिक्स कीजिए और अपने लिप्स पे लगा लीजिए हम इतने महंगे महंगे लिप स्टेनर्स लेके आते हैं जो कि हमारे लिप्स को दो तीन दिन तक स्टेन करके रखते हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट बट बिलीव मी जब आप इसको अप्लाई करेंगे रेगुलरली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपके लिप्स अपने आप ही काफ़ी खूबसूरत रहेंगे आप सबको मालूम है कि रोज वाटर कितना अमेजिंग है तो आप साक्षात रोज ही लगा रहे हैं अपने लिप्स पे तो इट इज गोइंग टू गिव यू द द वंडरफुल वंडरफुल थिंग इफेक्ट ऑन योर लिप्स एंड बी हैप्पी आई एम श्योर फॉर द सेकेंड ऑप्शन आपको चाहिए भीगे हुए बादाम भीगे हुए बादाम को अच्छे से कूट लीजिए एक डिब्बी में स्टोर करके रख लीजिए और जब भी आपको अप्लाई करना है टू ड्रॉप मिल्क मिक्स इट वेल एंड अपलाइड ऑन योर लिप्स एंड ये यू कैन टेस्ट इट एज वेल इट इज वेरी टेस्टी स्टेप नंबर इट्स वेरी सिंपल आप लोगों को एक छोटी सी डब्बी में लेना है एक चम्मच कोकोनट ऑयल और तीन से चार कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई e, इसको कीजिए और स्टोर करके रख दीजिए इसका एप्लीकेशन सिर्फ आपको नाइट आवर्स में करना है बिफोर स्लीपिंग सोने से पहले आप इसको लीजिए अपने लिप्स पे अप्लाई कीजिए एंड स्लीप बिलीव मी नेक्स्ट मॉर्निंग आपको फर्स्ट एप्लीकेशन इथ पता चल जाएगा कि आपके लिप्स कितने सॉफ्ट एंड सपल हो रखे हैं जितना भी आपके लिप्स में क्रैक आ रखा है अगर कितना भी ज्यादा कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है क्रैक्स की वजह से तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको ग्रेजुअली ऑब्वियसली फिक्स होंगी बट फर्स्ट एप्लीकेशन इज आपको दिख जाएगा कि आपके जो लिप्स हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये हो गई रेमेडीज नाउ टाइम फॉर द टिप्स जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था टिप्स आर एक्चुअली दोज थिंग्स जो मैं सालों से अपने लिए कर रही हूं एंड बाई गॉड्स ग्रेस आई हैव नॉट हैड एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिप्स तो वो टिप्स क्या हैं देखिए ये टिप्स मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने यू नो शी ऑलवेज आई वाज ऑलवेज डिस्कसिंग कि आप लोग कैसे रहते थे क्या करते थे एंड एंड सो मेनी अदर थिंग्स थिंग्स शी वाज आल्सो वेरी ऑफ टेलिंग ऑल टू अस तो उन्हीं के नुस्खे हैं स्टेप नंबर वन नहाने के बाद स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन अगर आप समर में नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स फाइन बट विंटर सीजन में आप जब नहा रहे हैं तो बाथरूम में एक छोटी डब्बी में आप सरसों का तेल रख सकते हैं दैट इज मस्टर्ड ऑयल एंड आफ्टर यू नो आप नहा लें आप एक ईयरबड रख लीजिए यू नो वट एवर अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते पीपल आर नॉट कंफर्टेबल टचिंग मस्टर्ड ऑयल स्पेशली आफ्टर टेकिंग बाथ तो आप मस्टर्ड ऑयल लीजिए और अपनी नेवल पे लगा लीजिए देखिए ये सारी जो अप्लीकेशन है ये बहुत लंबे समय तक करने पड़ते हैं टू सी द रिजल्ट तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपके लिप्स बहुत चैप्ड रहते हैं तो आप इसको ट्राई कीजिए आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपको भी इसके जो इफेक्ट हैं इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली मिलेंगे नंबर टू आप एक बार घी लगा कर देखिए अगर आपके लिप्स बहुत हैं आप सब कुछ कर चुके हैं एवरी पॉसिबल थिंग आप लगा चुके हैं तो एक बार घी का टॉपिकल एप्लीकेशन कीजिए फॉर यू नो फॉर एन एंटायर वीक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने लिप्स पे घी लगाइए और सो जाइए और हर दिन आप ये चीज रिपीट कीजिए आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर इन अ वीक इथ से आपका जो लिप्स का जो जितना भी इश्यू है वो कंप्लीटली सबसाइड हो जाएगा नंबर थ्री जब भी घी बनाएं थोड़ा सा मलाई निकाल के रख दीजिए शिया बटर फेल है आपकी घर की बनी हुई मलाई के सामने मलाई बनाइए और उस मलाई को ना सिर्फ लिप्स पे पूरे फेस पे लगा लीजिए एंड uh, कुछ लोगों को अभी बोल लग रहा होगा क्या बोल रही है यार बट बिलीव मी इसको लगा के देखिए कितने भी ड्राई हैंड्स कितने भी ड्राई स्किन कितनी भी ड्राई लिप्स क्यों ना हो मलाई घी ये कमाल के हैं आपके लिप्स के लिए तो डू गिव इट ट्राई ये बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं बहुत ही पुराने टाइम से चले आ रहे हैं सो यू शुड ऑल्सो गिव इट ट्राई एंड आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव दम टू ऑल दो पीपल जिनको ये सब कुछ ताम झाम लगता है और वो नहीं कर सकते नहीं करना चाहते कुछ भी अपने यू you नो know, घर पर ये सब नहीं हो पाता है तो uh, मैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रोडक्ट्स लिख दूंगी कुछ लिप केयर थिंग्स जो मैंने यूज की हैं और मुझे पसंद आई हैं सो टू ऑल दो पीपल यू कैन गो एंड चेक दैट आउट आशा करती हूँ मेरा एफर्ट आप लोगों को पसंद आया हो और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अमेजिंग लगा और आप अपने लिए डेफिनेटली ट्राई करेंगे वो सभी लोग जो अपने लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रिलेटेड टू द लिप्स प्लीज शेयर इट विद ऑल ऑलिफर्स हम भी उसे ट्राई करना चाहेंगे आई एल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मोर अमेजिंग एंड एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ यू तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए विंटर्स जम के एंजॉय कीजिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से बने रहिए आई एल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए